भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह एक दिवसीय दौरे पर सागर पहुंचे। शाह ने कहा कि उनकी शिवराज सरकार में लॉ एंड ऑर्डर का मतलब कानून व्यवस्था था, लेकिन अब कमलनाथ की कांग्रेस सरकार में यह लॉ एंड ऑर्डर करो हो गया है, यानी घूस लो और काम करो। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में की गई कर्ज माफी को धोखा बताया गया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने दावा किया था कि किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा, लेकिन अभी तक यह माफ नहीं हुआ। कांग्रेस ने किसानों को धोखा दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के नाम नहीं भेजे हैं, जिससे यहाँ के किसानों को इस योजना का लाभ अभी तक नहीं मिल पाया है। कई चुनाव, कठिन से कठिन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने भाजपा की नैया पार उतारने का काम किया। मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए, राष्ट्रीय महासचिव रहते हुए गुजरात में, गुजरात के भी संगठन के पद संभालते हुए कई चुनाव का संचालन किया है, मगर जहां पर मेरा बूथ का सैनिक मजबूत होता है वहां पर विजय भारतीय जनता पार्टी की होती है। और ये मध्य प्रदेश ऐसे प्रदेशों में से है जहां पर संगठन सबसे मजबूत है, नीचे तक पहुंचा हुआ संगठन है। एक कुशाभा और राजमाता सिंधिया की तपश्चर्या का ही परिणाम है कि हर बूथ में आज भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर मेरा कार्यकर्ता खड़ा हुआ। मित्रों, आज जब मैं आपके सामने आया हूं, अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष का मैं भाषण सुन रहा था, आपके जवाब भी सुन रहा था, उन्होंने कहा कुछ बदला है, आपने कहा नहीं बदला है। भाई, मैं तो आपसे सहमत नहीं हूं, मेरा तो मतभेद है। ये सरकार ने 2 महीने में बहुत बड़े परिवर्तन किए, आप कैसे अन्याय कर सकते हो कांग्रेस की सरकार। मैं बताऊं क्या परिवर्तन किया है, बताऊं आपको, सुनना चाहते हो? पहले शिवराज सिंह की सरकार थी, शिवराज सिंह की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर का मतलब था कानून और व्यवस्था। क्या मतलब था? अरे जोर से बोलो, क्या हुआ है भाई, क्या मतलब था? यहां लॉ एंड ऑर्डर का मतलब हुआ है लोग और ऑर्डर करो, घूस खाओ और ऑर्डर। ये बदला हुआ है या नहीं हुआ है, जरा जोर से बोलो, हुआ है या नहीं हुआ है? पहले सरकार चलती थी गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, युवाओं के लिए। अब सरकार चलती है ट्रांसफर करने वाले दलालों के लिए चल रही है। ये परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है, जरा जोर से बोलो, हुआ है या नहीं हुआ है? विभाग चलते थे मध्य प्रदेश के अंदर रोड का जाल बुनने के लिए, मध्य प्रदेश के अंदर कैनालों का जाल बुनने के लिए, मध्य प्रदेश के अंदर बिजली घर घर तक पहुंचाने के लिए। अब सरकार के विभाग चलते हैं ठेकेदारों की दलाली करने के लिए। परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है, जरा जोर से बोलो, हुआ है या नहीं हुआ है? पहले सरकार चलती थी किसानों का धान और अनाज खरीदने के लिए, धान हुआ भी नहीं। मुझे याद है एक बार थैलियों की कमी हो गई थी, शिवराज जी ने पूरा दिल्ली सर पे उठाया था, गेहूं भरने के लिए थैले नहीं थे, थैले क्या कहते बोरिया में, पूरा दिल्ली सर पर उठाया है। अब बोरिया तो है, गेहूं भरने वाले, धान भरने वाले हाथ रिश्वत लेने में लग गए, दलाली करने में लग गए है धान और किसान। मित्रों, पहले मोदी सरकार ने 133 योजनाएं बनाई थी, पूरे देश भर में 133 योजनाओं को लागू करने में सबसे पहला नंबर अगर किसी राज्य का आता था तो हमारे शिवराज सिंह की सरकार का मध्य प्रदेश सरकार। जब भी मुख्यमंत्रियों की परिषद होती थी, रिव्यू करते थे, तो उसके अंदर पूछते थे कि भाई सस्ता घर बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना सबसे ज्यादा कहां बने, मध्य प्रदेश। बिजली
सबसे ज्यादा गरीब की घर में कहां पहुंची? मध्य प्रदेश। रोड सबसे ज्यादा कहां पहुंचे? मध्य प्रदेश। इरिगेशन सबसे ज्यादा, हर सवाल का जवाब मध्य प्रदेश में आता था। मित्रों, आज वो मोदी जी की वही 130 योजना मोदी जी लोकप्रिय न हो डर से आज बंद कराने का पाप एक कमलनाथ की सरकार कर रही है, मित्रों, कांग्रेस की सरकार। वही सम्मेलन को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी संबोधित किया। उन्होंने केंद्र सरकार के किसान सम्मान योजना का लाभ प्रदेश सरकार द्वारा नहीं लिए जाने के मामले में जमकर कमलनाथ सरकार पर हमला बोला और मंच से सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास कर अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। नए भारत का उदय हो रहा है, उज्ज्वला रसोई गैस योजना से एक नए भारत का उदय हो रहा है, राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण से एक नए भारत का उदय हो रहा है, एयर कनेक्टिविटी से एक नए भारत का उदय हो रहा है, आतंकवादियों को चुन चुन के मारने से प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि धरती पे तो क्या पाताल में भी नहीं छोड़ेंगे। बताओ, ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए कि नहीं? और इसलिए मैं आप सबसे अपील करता हूं, जो हो गया परिणाम चिंता नहीं, बुंदेलखंड में वैसे जमन का हारे हैं यार, यहाँ तो अपन आगे रहे, एक आध जिले में थोड़े बहुत पीछे रह गए, लेकिन भावी अब पीछे नहीं रहेंगे। आओ, चारों संसदीय क्षेत्र के कार्यकर्ता आज दिल से अंतरात्मा से संकल्प लेंगे, हम चुनाव की घोषणा होने ही वाली है कि हमारी प्रदेश की 29 में से 29 लेकिन बुंदेलखंड की सारी चार की चार सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। अंतरात्मा से संकल्प लेना, दिल से संकल्प लेना और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने ये 2-2.5 महीने का समय पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी को समर्पित कर देना। दिन और रात गांव गांव जाए, अलग जगाए, जागरण का मंत्र फूके, जो नहीं समझा उसको भी समझाए और भारतीय जनता पार्टी को जिताए। बोलिए सब तैयार है? एक स्वर से बोलिए सब तैयार है? बहने भी तैयार है? पूरा समय 2.5 महीने का देंगे?